हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं Redmi Note 5 Pro के 10.2.3 के अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। और गाइज, इसके बारे में मैंने पिछले भी वीडियो बना चुका है। तो गाइज, ये लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि ये कुछ अपडेट का चेंजेस हुआ है और क्या क्या नए फीचर इसमें एडिट किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि Redmi Note 5 Pro को सबसे पहले 10.2.1 का अपडेट देखने को मिला, 10.2 सीरीज़ का। और गाइज, इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। गाइज, इसमें बैटरी का इंडिकेटर जो है वो बैटरी आइकन के अंदर देखने को मिला। देन थ्री जो नेविगेशन बार है, ऑन स्क्रीन बटन है, उसका चेंजेस देखने को मिले, वो नेविगेशन जो बार होता है। देन आपको शो सजेशन वाला ऑप्शन देखने को मिला। देन गाइज, सिक्योरिटी आपको ऐप में भी आपको चेंजेस कुछ देखने को मिले। तो गाइज, बहुत सारे कस्टमाइजेशन इसमें किए गए 10.2.1 में, बहुत सारे न्यू फीचर देखने को मिले। बट गाइज, अगर बात करें बीटा की, तो बीटा में बहुत सारे न्यू फीचर अभी लॉन्च किया गया, न्यू फीचर के साथ अभी रोल आउट किया गया अपडेट। और गाइज, इसमें बिल्ड इन ब्लैक थीम दिया गया है। देन फेस अनलॉक ऐप लॉक विद फेस अनलॉक। तो गाइज, ये सब फीचर एडिट किया जा रहा है। ये सब स्टेबल में कब आएगा और ये Redmi Note 5 Pro को स्टेबल अपडेट में नेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं, या 10.2.3 के साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं। तो गाइज, मैं बता दूं आपको कि 10.2.3 में आपको ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये नेक्स्ट के नेक्स्ट अपडेट में प्रोवाइड किया जाएगा। बट 10.2.3 में फिलहाल आपको ये सब फीचर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और ये 10.2.3 का बस सिक्योरिटी पैच अपडेट किया जाएगा, जो कि 10.2.1 में भी किया गया था। हर अपडेट में सिक्योरिटी पैच अपडेट किया जाता है। हाँ, बट आप लोग ये सोच के मान सकते हैं कि ये अपडेट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा नाइटली। ये जो बिल्ड इन ब्लैक थीम, देन फेस अनलॉक ऐप लॉक जो फेस अनलॉक के साथ खुल जाता है, वो दोनों फीचर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा Redmi Note 5 Pro की यूज़र को। बट गाइज, ये अपने नेक्स्ट अपडेट में देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें सिक्योरिटी पैच का तो अपडेट मिलेगा ही, साथ ही साथ बग रिजॉल्व किया जाएगा। इसमें आपको जो साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलता है और बैटरी बग बहुत देखने को मिलता है, बैटरी ड्रेनेज इशू, तो गाइज बैटरी ड्रेनेज इशू तो ठीक कर दिया जाएगा, बट साउंड प्रॉब्लम, आपको साउंड प्रॉब्लम बहुत सारे सभी लगभग यूज़र को ये वाला फेस करना पड़ रहा है। तो गाइज, ये धीरे धीरे सॉल्व किया जाएगा सभी फ़ोन की यूज़र को। तो गाइज, प्रोबेबली आपको ये नेक्स्ट अपडेट में साउंड प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाएगा। बट गाइज, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो गाइज टेंशन ना ले, आपको नेक्स्ट अपडेट में शायद प्रॉब्लम सब सॉल्व कर दिया जाएगा। ये धीरे धीरे सभी फ़ोन को धीरे धीरे हट जाते हैं ये साउंड प्रॉब्लम। और गाइज, अगर तब भी ना हो तो एक बार फ़ोन को हार्ड रिसेट मार लेना, तब शायद सॉल्व हो जाए। और फाइनली अब बात करिए अपडेट कब रोल आउट होगा। तो गाइज़, इसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बनाया था और बताया था इसमें कि फरवरी तक रोल आउट हो जाएगा। बट गाइज़, जो डेवलपर का हॉलीडे चल रहा, देन आपको डेवलपर सब आए जब हॉलीडे के बाद, तब बीटा में ज़्यादा फोकस करने लगे, जो कि आप देख ही सकते हो 9.2.19 का, देन 9.2.21 का जो अपडेट देने लगे, और वो भी इतने अच्छे अपडेट और उतना अच्छा चेंजेस के साथ, जो कि फेस अनलॉक है, ऐप लॉक विद फेस अनलॉक, देन डार्क बिल्ड इन डार्क थीम। तो गाइज़, ये सब फीचर के साथ बीटा में आने लगा, तो इसीलिए स्टेबल में थोड़ा लेट हो गया सभी फोन के लिए। तो अब ये 10.2.3 का अपडेट Redmi Note 5 Pro को थोड़ा डिले हो गया है, और ये मार्च तक आएगा। 10 से 15 मार्च के अंदर ये Redmi Note 5 Pro की यूज़र को देखने को मिल जाएगा। और ये जब भी अपडेट देखने को मिला, मैं वीडियो बना दूंगा फटाफट। सो गाइज, इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट वीडियो पाने के लिए लेटेस्ट अपडेट। तो गाइज, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सीधा सा लड़का था पढ़ता पहाड़ा, इसको इसके यारों ने मिल के बिगाड़ा। अभी काले पिछवाड़े वालों बकते हो माड़ा, तोड़ा भी जाएगा बड़ा मुझको तो। M&M 2-pack JC ने बिगाड़ा, चेक खोल ने बिगाड़ा, टेक 9 ने बिगाड़ा। अभी देख आंखें खोल, देख आंखें खोल, देख मेरे पास, देख देख मेरी स्किल्स, देख देख मैंने खुद को बनाया, मैंने खुद को सिखाया है हिप हॉप का, रामायण खुद को पढ़ाया, पर फिर भी तो सोचे मुझे रोकेगा।